प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ का चंद्रमा सिंह आज्ञा है, वो बनकर चुनाव लड़ रहा है और चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो आप लोग सोचेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आया। ये इनको लोगों के मन में है कि हमारा 20 का आदमी चाहिए, 20 का कार्यकर्ता चाहिए, 20 का हमारा छोटा भाई चाहिए, सामान्य आदमी चाहिए, बड़े आदमी हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ का छोटा का 20 का कार्यकर्ता हूँ और ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता घूम के आज्ञा जी का बहुत फैन है लोग, आज्ञा जी हर वक्त गरीब और अमीर एक समान समझते सबको, घर घर में अच्छा प्रेम है उसका, महिलाओं लगान जो पुरुषों युवाओं बुजुर्गों सब बढ़िया प्रेम है, गांव में विकास की कहीं की तकलीफ होनी गांव में कुछ सामुदायिक भवन का वादे कहते आज्ञा साहब बनाओ उन्हें कटे पाचे नहीं रखे, कुछ पानी की कहते उससे पाचे नहीं रखते,
कहाँ पे भी थाना में काम पड़ जाता था आइया साहब माथे ले लेते, फिर उसके कार्यकर्ताओं को झुकने नहीं देते। ठीक है, धोखा हुआ है। हर बार चंद्रभान सिंह जी अच्छे वोटों से जीत रहे थे, वो दो बार विधायक रह चुके हैं, एक बार 10,000 वोटों से जीते और दोबारा जब उनके इलेक्शन आया तो जनता ने समझ लिया कि एक अच्छा रखवाला है हमारा, और उन्होंने तो जनता ने 25,000 वोटों से जिताया। जब तीसरी बार इलेक्शन आए तो जनता ने सबने सोच रखा था कि इस बार भी हमें विधायक चंद्रभान सिंह जी जैसा ही चाहिए, हमें कोई विधायक दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा की, जनता का काम किया और गरीब को गरीब चाहे अमीर हो गरीब हो सबको एक समान समझा और हर एक के सुख दुख में साथ दिया। तभी हजारों हजारों वोटों से चंद्रभान सिंह जी के जीतने के चांसेस बहुत अच्छे थे और उनकी जीत निश्चित थी। ये देखते हुए भी कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने अपनी दुस्था के कारण उनका टिकट काट दिया। टिकट कटते ही वो अपने घर पे बैठे और बोला कि जो पार्टी को मंजूर है वो मुझे मंजूर है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, पार्टी का निर्णय मेरा
मेरे सर आप ऊपर है और मैं पार्टी से अलग कभी भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि पार्टी मेरी माँ है, यही सोचकर वो बैठ गए। लेकिन जनता को ये स्वीकार नहीं था, आम गरीब अमीर सभी लोग वहां इकट्ठे हुए, गांव गांव की जनता त्राय त्राय मान हो गई थी और महिलाएं तक वहां रो ऐसी रही थी जो देख नहीं सकते, ऐसी हालत थी। तब चंद्रभान सिंह जी को हाथ जोड़कर सबने निवेदन किया कि भाई साहब आप हमारे रखवाले हैं, आपको टिकट मिले नहीं मिले आप खड़े हो, जिताना हमारे हाथ की बात है, और यही जनता ने करके दिखाया। Yeah!
के अतिथि है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन की सांवरे शेटियां बुलाकर हमारे सब जनों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में भी आज 1008 संतराज जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जो पुष्कर से इस चित्तौड़ की धरती पर हम सब लोगों को आशीर्वाद देने पधारे हैं। हमारे यहाँ बड़ी सादगी से पधारे परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम सुदर्शन जी गुरु जी, हजार महादेव के चरणों में प्रणाम चंद्रबा चित्तौड़गढ़ की है किसान चंद्रबा की है किसान सभा का ऐतिहासिक परिणाम चित्तौड़गढ़ की जनता की देवतुल्य जनता ने जो ऐतिहासिक समर्थन देकर चंद्रमान सिंह जी आख्या को और चित्तौड़गढ़ विधानसभा के स्वाभिमान में ऐतिहासिक जीत हुई है। 6,800 और उससे ज्यादा मत उस ऐतिहासिक विजय होने पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा वासियों को बहुत बधाई शुभकामना।
मोबाइल फूट गया भी है वो छाई नहीं भाई सारे बात सब इनका ले लो चलो ले बेटा हाँ बेटा लाइन से व्यू पर गुजारेंगे मंच पर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है जिन कार्यकर्ताओं ने सम्मान कर चुके हैं कृपया नीचे की ओर बनाए भाई पंकज जी नमस्कार आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आइकिया का धन्यवाद चित्तौड़ कार्यक्रम दूर दूर तक